और अब बात अंडरवर्ल्ड डॉन रवि गुजारे। ये डॉन पिछले एक महीने से राजस्थान के कारोबारी को रंगदारी के लिए धमकी देने में लगा है। वो कहता है कि उसे 25 करोड़ रुपए दे दिए जाए। दहशत में आए इस कारोबारी ने गुजरात और राजस्थान पुलिस में परिवाद दर्ज कराया है। धमकी देने वाला और 25 करोड़ की रंगदारी मानने वाला शख्स खुद को रवि पुजारी बताता है और 25 करोड़ नहीं देने की अवज में कारोबारी के बेटे को मौत की नींद सुलाने की धमकी भी देता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस धमकी के बाद पीड़ित कारोबारी क्या कहता है। परिवार के सारे लोग तो अभी मैंने पहले ही बताया था क्योंकि ये बहुत समय से कॉल चल रही है तो सारे लोग अभी यही हैं और हमें इसी पेशोपेश में है कि हमको अभी आगे क्या करना है क्योंकि परिवार के लोग बाहर काम करते हैं तो सब लोगों को यहाँ बुला के हम लोग अपना सारा काम बंद करके कितने दिन तक उनको यहाँ पर रख पाएंगे वो भी एक सवाल है और अभी तक हम लोग भी निर्णय की स्थिति में नहीं पहुँचे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। परिवार के लोगों को अपना व्यवसाय पर भेजें नौकरी पर भेजें या नहीं भेजें। इस शख्स का नाम है मुकेश मोदी, आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व डायरेक्टर और सहकार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मुकेश मोदी को धमकी मिल रही है कि वो रंगदारी के रूप में 25 करोड़ की रकम दे। मुकेश मोदी को धमकी देने वाला शख्स खुद को रवि पुजारी बताता है और अब ये पीड़ित कारोबारी कहता है कि आखिर वो क्या करे, उनकी कुछ समझ नहीं आता। अभी परिवार के लोग एक साथ हैं लेकिन क्या वो लोग अपना काम छोड़ दें? दरअसल मुकेश मोदी और उसका परिवार खौफजदा है और अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की धमकियों से डरकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया है। डॉन रवि पुजारी ने मुकेश मोदी को धमकी दी है जिसके बाद मोदी ने गुजरात के गांधीनगर के मानसा पुलिस थाना और फिर सिरोही पुलिस को परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद में मुकेश मोदी ने लिखा है कि 20 अक्टूबर को गुजरात के गांधीनगर जिले के मोदड़ी मंदिर के अतिथि भवन में रुके थे। उसी दिन शाम के करीब 6:38 पर उनके नंबर पर 4432 नंबर से कॉल आया जिस पर यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ था। फोन उठाने पर सामने वाले शख्स ने खुद को रवि पुजारी बताया और बेटे राहुल को जान से मारने की धमकी देकर 25 करोड़ की रंगदारी मांगी। चलिए आपको सुनाते हैं आरोपी शख्स और पीड़ित के बीच फोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार। हाँ मुझे साहब रवि बात कर रहा हूँ, रवि पुजारी बात कर रहा हूँ। आप फोन ही नहीं उठाया, फोन काट दिया बात करते करते। नहीं फोन आपका आपका आ रहा है क्या? ये BSNL वाले नंबर पे है, वो तो आवाज ही नहीं आ रही है उसमें। अच्छा सुनो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप चाहते हो कि मैं राहुल को मार दूँ? ऐसा है कि आप इस तरह की बात मत करिए। इस तरह से बात नहीं करूंगा मैं, फिर मार दूंगा, फिर बात करूंगा मैं, चलेगा क्या? नहीं सर, बात करते करते फोन काट दिया। आपको ऐसा लगता है कि फोन काटने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप मेरे को ये बताओ। सर आपकी जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ही गैरवाजिब बात है, तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? आपको पता है क्या, शाहरुख खान मालूम है ना फोन है सुपरस्टार, बराबर है। उसको मैंने फोन किया था, फोन नहीं उठाया। 24 घंटे के अंदर उसके घर के अंदर बाहर उसके दोस्त के अंदर फायरिंग कराया मैंने। आप समझ रहे मेरी बात? तो मैं आदमी को, इतने बड़े आदमी को मैं ऐसा 2 मिनट में मैं उसको हिला सकता हूँ? तो फिर आप क्या चीज है? आपको मैं जो बोला है आप उसको सोचो उसके बारे में। मेरे को 25 करोड़ चाहिए, आप समझ रहे मेरी बात? मेरे को 25 करोड़ चाहिए मेरे को। आपने देखिए, आप पास इन्फॉर्मेशन, आप पहले अपनी इन्फॉर्मेशन पुख्ता करिए। 25 करोड़ वाला आदमी मेरे पास बराबर है, कल मैं आपको मेरा नंबर दूंगा, आपको मैसेज आएगा, समझे कि नहीं? कल मैं आपको एक नंबर दूंगा, आपको मैसेज आएगा, आपको जो आगे स्टेप लेना है जो भी करना है आप करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिपार्टमेंट के पास जाओ, प्रेस के पास जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, होम मिनिस्टर के पास जाओ, कोई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे मेरी बात? तो सुनी आपने धमकी और दहशत की आहट, बस 25 करोड़ के रंगदारी की बात नहीं तो जान लेने की धमकी। मुकेश मोदी को धमकी भरा कॉल करने वाला खुद को माफिया डॉन रवि पुजारी बता रहा है और फिरौती की रकम अदा नहीं करने की सूरत में अहमदाबाद में रह रहे मोदी के भतीजे राहुल
और उसके परिवार को चांद से मारने की धमकी दी है। राहुल मोदी फिलहाल आदर्श क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड अहमदाबाद में प्रबंध निदेशक है। फोन करने वाले ने अपने आप को माफिया डॉन रवि पुजारी बताते हुए कहा कि उसे मीडिया, पुलिस और सरकार समेत किसी भी सिस्टम का डर नहीं है और मुकेश मोदी के भतीजे राहुल मोदी पर उसके गुर्गे हर वक्त नजर रखे हुए हैं। अब मुकेश मोदी का कहना है कि पुलिस इस मामले में जांच तो कर रही है, लेकिन उनकी जांच में अभी तक जिस नंबर से फोन आ रहा है उसके बारे में ही पता नहीं लग पाया है। मुकेश मोदी कहते हैं कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्वीकृति दिलवाने के लिए पुलिस से कहा है, जिसकी मंजूरी भी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। पुलिस प्रशासन को मैंने अप्लाई किया था बुलेट प्रूफ वाहन के लिए, उसकी परमिशन अवेटेड है, उसकी मैं इंतजार कर रहा हूँ। और मैंने सिक्योरिटी गार्ड्स मांगे थे जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और मेरे को गार्ड देने के लिए उन्होंने कंसेंट मांगी थी, जिसका चार्ज लगभग 3,300 रुपया कुछ है प्रतिदिन का, जो काफ़ी ज़्यादा है और इस कारण से मैंने उसके लिए मना किया है। पर मैंने गृह मंत्री जी से ये जरूर निवेदन किया है कि मुझे निःशुल्क सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाए, उसकी डिमांड बरकरार है, वो डिमांड कर रहे हैं लगातार। और मेरे को लंदन का एक नंबर दिया हुआ है जिस पर कॉल करने के लिए कहा है, यहाँ तक कि लास्ट कॉल में तो उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि आप लंदन आ जाओ या अमेरिका आ जाओ या ऑस्ट्रेलिया आ जाओ और आकर के बैठ के बात कर लो, लेकिन मैंने मना किया है कि मेरे लिए ये वहाँ जाना और बात करना संभव नहीं है। मुंबई की अंधेरी की अंधी गलियों से जुर्म की काली दुनिया में पहुंचने वाले रवि पुजारी ने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत की और अब उसके निशाने पर ये कारोबारी है, लेकिन इतने दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, जो वाकई हैरान करने वाली तस्वीर है। फर्स्ट इंडिया के लिए सिरोही से गणपत सिंह मांडोली की रिपोर्ट।